दोस्तों अगर आप एक YouTube क्रिएटर हैं तो ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लास्ट तक नहीं देखेंगे तो आपका चैनल कभी भी टर्मिनेट हो सकता है, कभी भी डिलीट हो सकता है। तो इसीलिए आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हाय दोस्तों, मैं हूं कुर्बान अली खान और KK टेक्निकल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे मैसेज किया कि उनका चैनल को YouTube ने डिलीट कर दिया। जी हाँ दोस्तों, तो उन्होंने क्या गलती किया था जिसकी वजह से YouTube ने उनका चैनल को डिलीट कर दिया, वो मैं आज आपको बताऊंगा ताकि आप उस तरह का गलती ना करें। जी हाँ दोस्तों, खास करके अगर आपका कोई फैक्स चैनल है तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। जी हाँ दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पे वीडियो बना के थंबनेल लगाने के लिए गूगल से फोटो ले लेते हैं या कहीं से भी फोटो उठा के अपने थंबनेल पे लगा देते हैं और अपने बैकग्राउंड पे YouTube से नो कॉपीराइट म्यूजिक उठा के लगा देते हैं। तो इस तरह हर क्रिएटर करते हैं, खास करके फेक चैनल वाले ज़्यादा करते हैं, वो अपने बैकग्राउंड पे म्यूजिक लगाते हैं और बहुत सारे फोटो लगाते हैं। तो दोस्तों, एक भाई का चैनल को YouTube ने क्या क्या डिलीट कर दिया। जी हाँ दोस्तों, YouTube ने डिलीट कर दिया। उससे पहले उनके पास एक कॉपीराइट स्ट्राइक आया, उसके बाद उन्होंने क्या किया, जिसने कॉपीराइट स्ट्राइक डाला था उसके साथ बातचीत की, लेकिन दोस्तों बंदा नहीं माना, वो पैसे मांगने लगा। जी हाँ दोस्तों, उसने पैसे मांगने लगा। तो दोस्तों इन्होंने क्या किया, एक दो बार उसको पैसे भी दिए, वो अब रेगुलर इनसे पैसे मांगने लगा और ज़्यादा पैसे मांगने लगा। तो दोस्तों इन्होंने क्या किया, उसको पैसा देना बंद कर दिया। जी हाँ दोस्तों, उसको पैसे देना बंद कर दिया। उसके बाद उस व्यक्ति ने क्या किया, इनको 3 कॉपीराइट स्ट्राइक दे दिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि उसका सारा म्यूजिक इनके 180-90 वीडियो पे लगा हुआ था, तो उसने 3 कॉपीराइट स्ट्राइक दे दिए। तो YouTube ने क्या किया, उसके बाद इनका चैनल को टर्मिनेट यानी कि परमानेंट डिलीट कर दिया। तो दोस्तों उन्होंने क्या गलती किया था, YouTube से नो कॉपीराइट वाला म्यूजिक उठा के अपने वीडियो पे लगाते थे और गूगल से फोटो उठा के अपने थंबनेल पे लगाते थे, तो इसीलिए उनको कॉपीराइट स्ट्राइक आया, उनका चैनल डिलीट हो गया। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, अगर आप लोग भी इस तरह का करते हैं तो हो जाए सावधान। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि YouTube पे जितने भी चैनल है सारे के सारे फेक होते हैं, वो लिखते हैं नो कॉपीराइट मगर आपको कभी भी स्ट्राइक दे सकते हैं। बस एक ही चैनल है जो कि बहुत ही कम चांस है वो आपको स्ट्राइक नहीं देगा, क्योंकि वो रेपुटेड है, वरना सारे के सारे टाउटर हैं। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगा आप कहां से नो कॉपीराइट वाला म्यूजिक उठाएंगे और कहां से आप थंबनेल उठाएंगे नो कॉपीराइट वाला। तो दोस्तों चलिए मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ले चलता हूं, उसके बाद मैं आपको सारी जानकारी बताऊंगा। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप YouTube से कोई भी म्यूजिक डाउनलोड करते हैं तो वो कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकते हैं। दिया तो चलिए मैं आपको उसका प्रैक्टिकल करके ही दिखा देता हूं। नो कॉपीराइट म्यूजिक और फिर सर्च कर देते हैं। सर्च करने का दोस्तों यहाँ आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे ये देखिए नो कॉपीराइट म्यूजिक लिखा हुआ है, लेकिन दोस्तों अगर आप इसे लेंगे तो ये कॉपीराइट स्ट्राइक डाल देगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये किसी का ना किसी का चैनल है और उसने यहाँ पे वीडियो बना के डाला है, अगर आप यूज करेंगे तो आपको भविष्य में कॉपीराइट स्ट्राइक आएगा। दोस्तों बस यूट्यूब पे एक ही भरोसेमंद चैनल है, ये है नो कॉपीराइट साउंड, जो जिसपे 3.2 करोड़ सब्सक्राइबर है, ये बहुत ही कम चांस है आपको स्ट्राइक देने का। तो आप यहाँ से उठा सकते हैं, या फिर अगर आप बिना रिस्क से म्यूजिक उठाना चाहते हैं तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कहाँ से बिना कॉपीराइट वाला म्यूजिक उठा पाएंगे और कहाँ से फोटो उठा पाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपने गूगल क्रोम को ओपन करना पड़ेगा। तो चलिए गूगल क्रोम को ओपन करते हैं। तो दोस्तों गूगल क्रोम को ओपन करने का दोस्तों अब आपको क्या करना है, सबसे पहले चलिए मैं आपको फोटो निकाल कर दिखा देता हूँ कहाँ से आपको नो कॉपीराइट वाला फोटो लेना है। जी हाँ, तो आपको लिखना है पिक्साबेज। जी हाँ, तो यहाँ देख लीजिए इस तरह से आपको कुछ लिखना है और फिर सर्च कर देना है। तो चलिए सर्च कर देते हैं। तो दोस्तों पिक्साबे सर्च करने का हमारे सामने कुछ इस तरह पेज खुलेगा। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, यहाँ जो वेबसाइट है पिक्साबे इस पर क्लिक कर देना है। पिक्साबे पे क्लिक करने का दोस्तों ये वेबसाइट खुल जाएगा, उसके बाद आपको जो भी इमेज चाहिए आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ सर्च कर सकते हैं। जी हाँ, तो सर्च करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं, आपको ये बिल्कुल भी कॉपीराइट स्ट्राइक कभी भी मत देगा। जी हाँ दोस्तों, ये कभी भी आपको स्ट्राइक नहीं देगा, आपको यहाँ से डाउनलोड करना है और अपने थंबनेल में लगाना है, ये वेबसाइट सेफ है, सिक्योर है। तो दोस्तों चलिए अब मैं आपको बताऊंगा आप म्यूजिक कहाँ से लाएंगे नो कॉपीराइट वाला। जी हाँ दोस्तों, म्यूजिक कहाँ से लाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए फटाफट से फिर से क्रोम को ओपन करके और यहाँ सर्च करते हैं। तो दोस्तों अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पे यूट्यूब म्यूजिक लाइब्रेरी देखिए इस तरह का आपको सर्च करना होगा। तो चलिए सर्च कर देते हैं। सर्च करने का दोस्तों यहाँ देखिए ऑडियो लाइब्रेरी यूट्यूब लिखा हुआ है, अब आपको उस पर क्लिक करना है।
तो दोस्तों सर्च करने का, तो वो आपके चैनल पे साइन इन करने को बोलेगा। अगर आपका साइन इन होगा तो सीधे यहाँ पे ले आएगा। तो उसका दोस्तों यहाँ देखिए बहुत सारे म्यूजिक हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे म्यूजिक हैं। आप यहाँ से कोई भी उठा के अपने वीडियो पे लगा सकते हैं। और ये यूट्यूब का अपना म्यूजिक है, वो आपको कभी भी स्ट्राइक नहीं देगा। ये बहुत ही सेफ है, सिक्योर है और भरोसेमंद है। तो दोस्तों आपको कैसे डाउनलोड करना वो मैं आज आपको चलिए बता देता हूँ। आपको जो भी सॉन्ग डाउनलोड करना है, सबसे पहले उसको यहाँ से इस तरह क्लिक करके प्ले करके सुनना है। अगर पसंद आए उसका डाउनलोड करना है तो चलिए पहले सुन लेते हैं। उसके बाद यहाँ राइट साइड पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ देखिए डाउनलोड का ऑप्शन आ गया। तो चलिए सबसे पहले म्यूजिक सुन लेते हैं। तो इस तरह आप सुनेंगे और यहाँ से क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे दो तरीके, नो कॉपीराइट फोटो, नो कॉपीराइट म्यूजिक डाउनलोड करने के तरीके और अपने वीडियो में यूज करने के तरीके। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके बहुत ही काम में आया। अगर काम आया तो प्लीज भाई के चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन दबा दें और अपने सारे दोस्तों को शेयर करें ताकि हर किसी का प्रॉब्लम सॉल्व हो सके।